नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मनिहारी विकास खंड अंतर्गत सराय गोकुल ग्राम सभा में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि जनपद में ज्यादातर सरकारी भूमि पर पंचायतों में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। वहीं सरकार की कोशिश है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश स्थापित किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मनिहारी विकास खंड अंतर्गत सराय गोकुल ग्राम पंचायत में लगभग 4 बीघा की पोखरी पर एक स्थानीय दबंग द्वारा फर्जीवाड़ा कर पोखरी पर कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों ने पोखरी के पास मौजूद होकर प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर कपिलदेव सिंह पूर्व ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीणों ने एक स्वर में क्या कहा, ये सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। बता दीजिए। श्याम बिहारी सिंह, ग्रामपुर सरंगोपुर। श्याम बिहारी जी, क्या मामला है? आज सैकड़ों की संख्या में आप ग्रामीण उपस्थित थे, क्या समस्याएं हैं? आप पोखरी है सर, बहुत पुरानी पोखरी, कागज भी पुरानी पोखरी, फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिए हैं। और हम लोग जो है हर जगह जो आवेदन दिए, DM साहब को भी दिए, SDM साहब को भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? धरना प्रदर्शन करेंगे चलकर जिला मुख्यालय पे। सर दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रहमान है, रेलवे से रिटायर्ड हूँ। मोहम्मद रहमान जी, क्या समस्या है? समस्या है पानी बंद होने वाला। हम लोगों का जो पानी आ रहा है ना, जो है लाइटिंग का जो भी पानी आता है बाहर से, वो बंद होने वाला, कि पोखरी में पानी नहीं जाए। सबकी समस्या, हमारे मोहल्ले में पूरे पानी ये बंद होने वाला है। और इधर का पानी पहले आता था, गांव का पूरा पानी पोखरी में आता था, यहाँ से बंद कर दिया गया है। पूरा गांव का पूरा खेत का पानी आता था। किसके द्वारा बंद किया गया? इन्होंने बंद किया है, इस पोखरी वाले ने, विश्राम जी ने बंद किया। इसकी शिकायत आपने कभी किसी से किया है? इसकी शिकायत का हुई है, सरकार किए, करने वाले किए 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 हैं लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके समस्या का निराकरण नहीं होता है तो क्या रणनीति होगी आपके लोगों की? लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालय पर, जो बताए हैं।